गाड़ी में सब क्या है, रेस नहीं पकड़ रही गाड़ी। हाँ तो गाड़ी आई कहाँ से पहले जी बता दो। बस उदा से इसी रोड से आ रही है वो। तो आग लगी थी 2 घंटा पहले, आप इतनी लेट कैसे आए? अब रास्ता नहीं मालूम था, गए ले अभी जब हम इतने तक आए। और जब खेत पे आप आ गए हो, आपकी गाड़ी जहाँ खड़ी हुई है जी, और जहाँ फंसी हुई है, मान लो आग लगी होती तो आप क्या करते? आप क्या करते भाई साहब? तो कौन है इसका जिम्मेदार, आप जी बता दो मुझे। भैया तो उसमें कचरा आ गया है। हाँ गाड़ी में कचरा आ गया लाइन में, इसलिए वो मौसम नहीं पकड़ रही। तो आपका कहने मतलब आग लगी होती तब भी गाड़ी नहीं बढ़ती ना? कुछ ना कुछ तो करते ही अपन बढ़ाते। देखिए 12 बजे की बात है, मेरे पास गांव से फोन आया ग्राम सकराई से, वहाँ पे मेरी खेती है, कि खेत में आग लग गई, खड़ी गया हूँ मैं। तो इसके बाद फिर मैं 101 पे कॉल भी करा फायर ब्रिगेड के लिए, तो वहाँ पे बात भी हो गई। इसके बाद हम गांव वालों ने, आसपास के सारे गांव वालों को जैसी सूचना मिली, सब अपने अपने ट्रैक्टर लेके खेतों पर दौड़े। कम से कम 15-20 ट्रैक्टर वहाँ पर पहुँच गए थे सभी गाँव वालों ने। तो चारों तरफा उनने खड़ी जो आग लगी हुई थी, आग में ही ट्रैक्टर को ना दिए और अपने हिसाब से उनने कुछ गांव वालों ने पानी भी डाला, बुझाई और काबू किया उसको। लेकिन फायर ब्रिगेड को कॉल करने के 4 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, जब तक पूरे किसानों ने आग बुझा चुकी थी। और इसके बाद फायर ब्रिगेड आ भी गई तो वो खेत में जाके बंद हो गई। ऐसी कैसी फायर ब्रिगेड आई कि मतलब गाँव वालों ने धक्का देकर उसको चालू करा। तो आप बताइए इसमें शासन प्रशासन की क्या लापरवाही है, अभी तक मतलब हजारों लाखों का नुकसान हो जाता। आग लगने का क्या कारण लगता है? और देखिए इसका तो कोई पता नहीं है आग कैसे लगी है, हार्वेस्टर खेत में चल रहा था और आग कैसे लगी है इसका भी कोई मतलब पता नहीं है कैसे लगी थी। कितना नुकसान हो गया आग? नुकसान तो ये मान लो 2-3 लोगों के खेत जल गए हैं, उसमें एक की 6-7 बीघा उसकी जल गई है, 8-10 बीघा हमारी जल गई है। और इसके बाद कम से कम जो क्या बोलते हैं कट गई थी कुछ, वो मतलब 25-30 बीघा आग लग चुकी थी और इतनी थी कि मतलब आसपास में सब में पूरे में पिसी गेहूँ खड़े हुए थे। अभी तक कोई जिम्मेदार पहुँचे नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान का पंचनामा के लिए? अभी कोई नहीं पहुँचा, पंचनामा के लिए पटवारी पहुँचे थे 2 घंटे लेट, वो भी जब पूरी आग। और इसके बाद सचिव वगैरह गए थे, बस और कोई नहीं गया। उसके बाद पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई थी, है ना। फायर ब्रिगेड तो बहुत लेट पहुंची है ना, तो बहुत बुरी स्थिति थी, आग इतनी तेज थी कि आप देख सकते हैं उसे। क्या मांग है आप, क्या चाहते हैं आप? मांग यही है कि जो भरपाई हो जितना नुकसान हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।